नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आज बात होगी पंचांग के अनुसार आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की सृष्टि की तिथि है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है। आज उत्तर भाद्र पक्ष नक्षत्र है। आज का दिन धन सेहत व्यापार शिक्षा आदि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं राशिफल के माध्यम से। और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज का दिन दूसरों से मदद लेने से पहले स्वयं की आवश्यकता को समझे और बिना सोचे समझे सहायता नहीं लेनी चाहिए। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो मीडिया से जुड़े लोग को आज कवरेज के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए सोचेंगे कि क्या करें क्या नहीं करें। उनका यह विचार उन्हें मानसिक उलझनों में डाल सकता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि कोशिश करेंगे तो स्थितियां उनसे पक्ष में होती दिखाई देगी। हेल्थ की बात करें तो स्वयं को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें, घर की साफ सफाई और सजावट करें। और अब बात करते हैं वृष राशि की। आज के दिन हर्षित भाव के साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए करियर का ग्राफ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को ऑफिस से कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है। कार्यों को गंभीरता से पूरा करें, क्योंकि स्थितियां जितनी सरल नजर आएगी उतनी ही नहीं होगी। खुदरा व्यापारी के लिए दिन सामान्य रहने वाला है, तो वही बड़े व्यापारियों का लाभ भरा रहेगा। सेहत की बात करें तो कान में दर्द को लेकर परेशान रहेंगे। यदि आप देर तक ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए। घर पर मीठा बनाकर शिव जी को भोग लगाएं। मीठा भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आज के दिन ग्रहों की स्थिति या खर्च करने के मूड में चल रही है, साथ ही मन भी कुछ इसी ओर जाता हुआ दिखाई देगा। कार्य को पूरा करने के लिए भाग दौड़ी करनी पड़ सकती है। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो ऑफिस में नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। होम अप्लायंसेस के व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। उत्पादों की बिक्री बढ़ने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। जिन लोगों को अल्सर की समस्या है उनको अधिक ऑयली और स्पाइसी खाना खाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। मिथुन राशि वाले खाने का ध्यान रखें, नहीं तो गंभीर समस्या हो सकती है। और आप बात करते हैं कर्क राशि की। आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको सलाह दी जाती है कि काम और आराम का संतुलन बनाकर चलें। नौकरी यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में निम्न स्तर के सहकर्मी आपके विरुद्ध कोई कार्य कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, जिसको लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मधुमेह की रोगियों को सचेत रहना चाहिए, नियमित रूप से दवा लें। संतान की बीमारी को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ भी जल्द प्राप्त होगा। सुख और सुविधाओं के लिए संबंधित उपहार मिलने की संभावना है। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज के दिन आपकी कई आर्थिक परेशानियां भी दूर होती दिखाई दे रही है। नई नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए आपको ऑफिस का वातावरण कूल रखना होगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने के दिन शुभ है। साथ ही बिजनेस में मनचाही सफलता प्राप्त के लिए आज धैर्य बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य में शारीरिक थकान अधिक रहने वाली है, इसलिए काम खत्म करने के बाद कुछ देर मौन बैठे लाभ होगा। दिल की बात कहने के लिए दिन शुभ है। प्रति उत्तर में हाँ मिल सकता है। इनके बाद कन्या राशि की बात करते हैं। आज के दिन मित्रों से बात कर उनका हाल चाल लें। आसपास के लोगों का निमंत्रण आपके मन को प्रसन्न करने वाला है। ऑफिस की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम पर चल रहे लोगों को कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। कारोबार करने वाले को आस्तीन के सांपों से सजग रहना चाहिए। किसी पर अत्यधिक भरोसा करना तनाव दे सकता है। विद्यार्थी वर्ग को ऑनलाइन कंबाइंड स्टडी करने से लाभ होगा। सेहत की बात करें तो आज चोट चपेट को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। परिवार के कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जिससे स्थिति क्रोध में भी परिवर्तित हो सकती है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। आज के दिन पॉजिटिव थॉट के साथ करियर पर फोकस करना होगा। ऑफिशियल कार्य के प्रति आपका जुनून लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको सहायता बनाएगा।
कपड़ा व्यापारियों के लिए नए ब्रांड को भी अपनी शॉप में रखना चाहिए, उनसे मुनाफे होने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन क्लासेस को इग्नोर ना करें, अन्यथा आप पिछड़ सकते हैं। हेल्थ में यदि आपको हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि इन समय में ग्रहों की स्थितियाँ हड्डियों पर नुकसान पहुँचा सकती है। भवन से संबंधित कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो एक बार फिर से परिवार के सदस्यों से राय जान लें। तुला राशि वाले हड्डियों का नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज के दिन सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव धर्म कर्म की ओर आकर्षित करेगा। आपकी सहायता से जरूरतमंद को राहत मिल सकती है। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को आजीविका के क्षेत्र में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सैलरी भी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार भी करें। स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। पहले से ही बीमार चल रहे लोग अलर्ट रहना चाहिए। यदि किन्हीं बातों को लेकर और परेशान हैं तो आज अपनी दिल की बात पिता या गुरु से साझा करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, तो परेशान ना होए। और अब बात करते हैं धनु राशि की। आज के दिन जिम्मेदारियां अधिक मिलेंगी। कार्य क्षेत्र के प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। गायन कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा ऑफर मिल सकता है। बैंक में कार्यरत लोगों को टारगेट पूरे होंगे। जिन व्यापारियों ने ऑनलाइन व्यापार करने की योजना बना रखी है उन्हें अब धन निवेश के साथ कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। युवाओं का आशीर्वादी होना ठीक बात है, इसलिए स्थितियों को देखते हुए वर्तमान में ही रहें। स्वास्थ्य में हाई बीपी के मरीज अलर्ट रहें। संतान और परिवार के लोग किसी शुभ अवसर पर एकत्र होंगे, इस पल को एंजॉय करते हुए आनंद लेना चाहिए। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं। आज के दिन ज्ञान को अपडेट करने की ओर भी ध्यान दें। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए लाभकारी है। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग सचेत रहें। विभाग में किन्हीं बातों को लेकर आपसे विश्वास में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही सहकर्मियों और साथी उच्च अधिकारियों से व्यवहार करते समय अलर्ट रहें। वही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लेकर जल्दबाजी ना करें। खाद्य पदार्थ का व्यापार करने वालों के लिए दिन छोटे मोटे लाभ लेकर आ सकता है। सेहत में हृदय रोगियों को अलर्ट रहना चाहिए। साथ ही मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। माता और माता तुल्य का सानिध्य प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय मिल सकती है। चलिए अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आज के दिन की शुरुआत हनुमान जी की आराधना से करें। नौकरी में प्रयासरत लोगों को नौकरी ढूंढने में निराशा हाथ लगेगी, लेकिन इसको लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे व्यापारी सरकारी नियमों का पालन करें। वहीं दूसरी ओर व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। हेल्थ में एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द और वॉमिटिंग होने की आशंका है। घरेलू मामलों में फैसला लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें। कुंभ के बाद अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आज के दिन छोटी छोटी बातों को लेकर मूड बिगड़ सकता है। ऑफिस में आज आपके कार्य की सराहना हो सकती है। बॉस भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। बड़े कारोबार करने वालों को अपने फाइनेंस संबंधी कामों को निपटाना चाहिए। युवा वर्ग अपनी संगति पर ध्यान रखे। वहीं दूसरी ओर वाहन चलाते समय स्पीड को कम करके ही चले। स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्त से संबंधी बीमारी को लेकर सावधानी रखे। माँ के साथ समय व्यतीत करना बहुत ही सौभाग्यदायक रहेगा। वही आज जिनका जन्मदिन है उनको मन पसंदीदा उपहार भी प्राप्त होगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।